नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। फ्रेंड तो मैं हूँ राजकुमार, आप देख रहे हैं राज दुनिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड यहाँ पे जो है ना, सो बिहार जो कि विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पे जो कि सूचना जारी किया जा रहा है फ्रेंड, तो आप लोग को हम पूरा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग को सो वीडियो में बने रहना, वीडियो फुल देखना, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। तो हम आपको महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताएंगे, तो आप सबको वीडियो में बने रहना है, वीडियो कहीं भी स्किप प्लीज मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया, इंटरमीडिएट वार्षिक सिद्धांतीय परीक्षा 2021 के सफल संचालन हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना के संबंध में अब सूचना। तो कंट्रोल रूम के जो स्थापना होगा यहाँ पे उनके लिए सूचना दिया गया फ्रेंड। क्या है आपको देखिए, हम आपको उतना पढ़ के नहीं सुनाएंगे फ्रेंड, जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो कि बातें हैं उनको हम आपको बताएंगे। देखिए नियंत्रण कक्ष दिनांक जो कि 30/1/2021 जो कि 6 बजे से दिनांक जो कि यहाँ पे 13/2/2021 अपराह्न 6 बजे तक अनवरत कार्य रहेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल रूम का ये जो कि 30/1 से आपको जो कि कार्य इनका चालू हो गया, और कोई भी यहाँ पे जो कि ना शांतिपूर्ण तरीका से एग्जाम होने के लिए यहाँ पे नंबर भी जारी किया गया है। चलिए हम दूसरा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे अपील किया गया है। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और अपील किया गया है, अपील क्या है फ्रेंड हम आपको पूरा हम आपको समझाएंगे। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक 2021 की इंटरमीडिएट वार्षिक सिद्धांतीय परीक्षा दिनांक 1/2/2021 से प्रारंभ होकर जो कि 13/2/2021 को समाप्त होगी, और छात्र छात्रों को प्रतिभा क्षमता का सम्मान देने में उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के प्रतिष्ठित करने के कदाचार मुक्त परीक्षा में आयोजन हेतु दिन संकलित है। तो आपको कदाचार जो कि कदाचार मुक्त यानी कि चोरी वोरी कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बिहार बोर्ड ने संकल्प ले लिया है। तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही छात्र छात्रा विभिन्न तकनीक का व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संस्थानों में नामांकन हेतु योग्य होते हैं और जहां अपनी प्रतिभा के बल पर कामयाबी हासिल कर अपने साथ साथ समाज। तो यहां पे बहुत ही बड़ी बात कहा गया फ्रेंड, तो आपको जो है ना किसी चोरी चपाटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको जो है ना खुद आपको लिखना है फ्रेंड और अच्छे से आपको एग्जाम देना है। तो बहुत ही यहाँ पे सुंदर बातें यहाँ पे लिखा गया है बिहार बोर्ड की ओर से, जो कि सबको जानना ये जरूरी है। तो मैं बिहार के लिए सभी परीक्षार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए परीक्षार्थी के अभिभावक शिक्षकों नागरिकों का अपील करता हूं कि परीक्षार्थी की जो कि बेहतर भविष्य के लिए, तो आप लोग को चोरी नहीं करना है और एकदम कदाचार मुक्त एग्जाम आपको देना है। ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे लिखी गया फ्रेंड। लेकिन आपको मैं एक बात बता दें फ्रेंड, यहाँ पे जो कि बहुत जो कि बिहार बोर्ड ने टाइट यहाँ पे जो कि यहाँ पे रख दिया था निर्देश सब, तो निर्देश को कुछ जो कि निर्देशों में कमी किया गया है। देखिए इंटरमीडिएट वार्षिक सिद्धांतीय परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को उनके अभिभावक परीक्षा केंद्राध्यक्षों जिला में प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना। क्या आवश्यक सूचना फ्रेंड हम आपको देखिए बता देते हैं फ्रेंड, देखिए हम उतना आपको देखिए यहाँ पे जो कि लिखा गया है समिति द्वारा विभिन्न विज्ञापति जो कि PR यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडिका जो कि XBI में निर्देश दिया गया है कि परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों के स्लीपर चप्पल पहन के आना है, जूता मोजा पहन कर आना वर्जित है, यहाँ पे ये लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे परंतु में दे दिया गया है, देखिए परंतु राज्य के वर्तमान में राज्य स्थित जो कि जारी शीतलहर के कारण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कंडिका 2 में उल्लेखित निर्देश हम तत्काल निरस्त करते हुए अपवाद स्वरूप इस वर्ष के आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में जूता मोजा पहनकर आप जा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड ने खुलासा यहाँ पे कर दिया है, उसको जो है ना एडमिट कार्ड में आपको लिखा रहेगा, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, आप ले जा सकते हैं। ये ऑफिशियल जो कि नोटिफिकेशन है फ्रेंड, हम आपको जो कि कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, जो कि यहाँ का जो ऑफिशियल जो कि है ना वो हम आपको बता रहे हैं, कोई पेपर का कट ये नहीं है, ये जो कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया नोटिस यही है फ्रेंड। तो आप सबको यदि मेरा वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और कल आप लोग जाइए गर्दा मचा के आप लोग आइए। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते, अपना मिलने से अगले वीडियो में जय हिंद।